हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम आईफोन 13 पे बैटरी ड्रेन के इशू को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, वो भी ओवरनाइट में। अगर आपके पास भी है आईफोन 13 और ओवरनाइट में आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा बैटरी को ड्रेन कर देता है जब उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, इवन कि आपका इंटरनेट कनेक्शन भी बंद रहता है उस टाइम के ऊपर। अगर आपका आईफोन 13 ओवरनाइट में बैटरी को ड्रेन करता है तो आप उसे कैसे स्टॉप कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाला हूँ जिसके साथ आप इजीली अपने ओवरनाइट बैटरी ड्रेन के इशू को आईफोन 13 पे फिक्स कर सकते हो। क्योंकि iOS 17 के अपडेट में हर किसी आईफोन के ऊपर बैटरी का जो ड्रेन इशू है वो देखने को मिल रहा है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरनाइट में मेरा जो आईफोन 13 है वो ज़रा सी भी बैटरी को ड्रेन नहीं करता है। आपको तकरीबन यहाँ पर स्ट्रेट ग्राफ जो है बैटरी का वो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रात के टाइम पे जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ रहता है। तो इससे ये आपको भी अपने आईफोन 13 के बैटरी के ड्रेन को स्टॉप करना है अभी के अभी। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बैटरी लेवल है आईफोन 13 का ओवरनाइट में, अगर आप उसको ऐसे ही पड़े रहने देते हो, जैसे कि मान लो कि आपने थोड़ा बहुत डे टू डे रूटीन में अपने डिवाइस को यूज़ किया, उसके बाद रात के टाइम पे घर आकर आपको अपने डिवाइस को एक बार चार्ज जरूर लगाना चाहिए सोने से पहले। अगर आप इस तरीके से ओवरनाइट में अपने बैटरी के ड्रेन को स्टॉप करना चाहते हो तो सोने के टाइम पे 15 मिनट पहले अपने डिवाइस को चार्जिंग के ऊपर सेट करो। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तक आपको अपने डिवाइस को चार्ज करना है। जितना भी चार्ज हो जाएगा आपकी जो बैटरी है उसके साथ क्या होगा कि ताज़ा ताज़ा चार्ज होगा रात के टाइम पे, तो आपकी जो बैटरी को बढ़िया टेम्परेचर मिलेगा एक तो, और साथ में आपकी बैटरी जो है वो ड्रेन नहीं करेगा रात के टाइम पे, क्योंकि आपकी बैटरी को बढ़िया टेम्परेचर मिल जाता है। और ओवरनाइट में कई बार गर्मी हो जाती है या सर्दी हो जाती है, सर्दियों के मौसम में भी बैटरी ड्रेन करता है हर कोई आईफोन, और गर्मी के मौसम में भी हर कोई आईफोन बैटरी को ड्रेन करता है। इसीलिए अगर एक बार रात के टाइम पे सोने के टाइम आपने अगर एक बार अपने डिवाइस को चार्ज कर लिया, उसके बाद रात के टाइम पे कभी भी किसी भी आईफोन पे आपको ओवरनाइट बैटरी ड्रेन इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। सेकेंडली, आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को आपको ऑन या ऑफ करना है। प्राइवेसी में जाओ और यहाँ से आपको लोकेशन सर्विसेज के ऊपर जाकर अपनी उन एप्लीकेशंस को यहाँ पर सेट करना है जो कि आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम को मैं डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और आपको उसकी लोकेशन को नेवर के ऊपर सेटअप करना है ताकि ये जो एप्लीकेशन है आपकी लोकेशन को यूज़ ना करें। उसके बाद आपको ट्रैकिंग पे जाना है, इस ऑप्शन को भी आपको ऑफ कर देना है क्योंकि ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशंस को ट्रैक करती रहती है और काफ़ी ज़्यादा बैटरी को ये ड्रेन करती है। और लास्ट नंबर के ऊपर आपको हमेशा अपने डिवाइस पे आईफोन 13 पे डार्क मोड को यूज़ करना चाहिए क्योंकि डार्क मोड के साथ आपको और भी बढ़िया बैटरी बैकअप आपका डिवाइस प्रोवाइड करता है। अगर आपका डिवाइस जो है वो 20% के ऊपर आ जाता है तो आपको उस टाइम के ऊपर, या 10% के ऊपर आ जाता है तो लो पावर मोड आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो ताकि आपको और भी बढ़िया बैटरी बैकअप आपका डिवाइस प्रोवाइड कर सके। तो ये जो टिप्स हैं आपको ज़रूर फॉलो करनी है जिसके साथ आप इजीली आईफोन 13 पे ओवरनाइट में बैटरी ड्रेन के इशू को स्टॉप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।